जनपद हापुड़ में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला हापुड़ की स्वर्गासन रोड का है, जहां चोरों ने एक किराने की दुकान में लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया और फरार हो गए। चोर दुकान से काजू, बादाम, पिस्ता, घी, रिफाइंड आदि चीजों को चुरा कर ले गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने उस दौरान लगभग 1.5 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया और गले में रखे 3,000 रुपए नगद और 9,000 रुपए के सिक्के चुरा लिए। चोर छत से दुकान में दाखिल हुए। मामला शुक्रवार की रात का है, जब हापुड़ की स्वर्गासन रोड पर स्थित अर्जुनगर के सामने 60 वर्षीय गोपाल सिंगल पुत्र प्रेम प्रकाश सिंगल निवासी पटेल नगर की दुकान में चोरों ने पहले नीचे से दुकान में घुसने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहने के बाद वो छत पर चढ़ गए। कपड़े की रस्सी बनाकर चोर छत तक पहुंचे और एक निर्माणाधीन दीवार में कूमल कर बिल्डिंग में घुस आए। इस दौरान चोर कई चोर ताले चटका कर दुकान में दाखिल हो गए। जब दुकान मालिक का भतीजा शनिवार की सुबह दुकान पहुंचा तो लगभग 9 बजे मामले का खुलासा हुआ। सारा सामान बिखरा पड़ा था। दुकान से लगभग 1.5 लाख रुपए मूल्य के बादाम, घी, पिस्ता, काजू, रिफाइंड आदि गायब थे। वहीं बदमाश गल्ले से 3,000 रुपए नगद और 9,000 रुपए की रेजगारी पर हाथ साफ कर गए। चोर सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर डिवाइस को भी अपने साथ ले गए। गोपाल सिंगल ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जो जांच में जुट गई है।